तो ये जो तान्या आज हमसे मिल रही है, मतलब आज हम जो इंस्टा लाइव सेशन में तान्या से मुलाकात हो रही है, तो ये बड़ी वाली तान्या मेरे से मिल रही है, क्योंकि इससे 4 साल पहले जब मेरे से तान्या मिली थी तो वो छोटी वाली तान्या थी, राइट? जब हमारी स्टूडियो में मुलाकात हुई थी उस वक्त तान्या छोटी थी। तो ये जाहिर करने, इसको बताने के पीछे बिल्कुल भी ये कारण नहीं कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैं अभी भी छोटी ही हूँ, और बस ताने से थोड़ी बहुत बड़ी होंगी, ज्यादा नहीं। हाँ तो अच्छा, तो सरप्राइजेस बहुत सारे मिले आपको। अब ये बताइए कि सारे गामा पर लिटिल चैंप्स 2017 में एज एन कंटेस्टेंट आप वहां गई, तो ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला, तो इसका फायदा कितना आपको मिला अब तक? बहुत ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि बिफोर दैट मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए बट वो फेम नहीं मिल पाया जिसकी मुझे जरूरत थी। और सारेगामापा के बाद मुझे बहुत लोग जानने लगे, और मुझे सबसे बड़ी मुझे कोई चीज मिली तो मुझे बहुत सारी माओ का प्यार मिला, जो मतलब बहुत ज्यादा नीडेड था। और लोग मुझे जानते थे, लोग मुझे कोई अपनी सिस्टर बना रहा है, कोई मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड। और पहले जो लाइफ थी काफी खाली खाली सी थी, मतलब मैं थी, मेरे फैमिली थी बस, और कुछ नहीं, एक ऑर्डिनरी गर्ल थी। और अब इतना लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये गाने गाओ, तो बहुत बड़ी चीज होती है, सबको नहीं मिलता, और इसलिए आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो अच्छा, जैसे कि वहां सारे गामा पर लिटिल चैंप्स की कोई मेमोरी जो आपको अभी भी, मतलब हमेशा जब भी कुछ बात होती हो तो हमेशा से याद आ जाता हो वो चीज, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें आई एम श्योर कि स्पेशल है, बट वो कोई एक ऐसी चीज जो तुम्हें लगता हो कि यार वो जब भी कोई बात करता है सारे गामा पा की, तो वो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है कि यार वो मैं मिस करती हूँ वो चीज। एक्चुअली बिफोर शूट, जब हमारा कोई भी एपिसोड शूट होता था तो उसके पहले बहुत प्रैक्टिसेस होती थी, और टेक्निकल रिहर्सल्स होते थे, तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा मस्ती करते थे। और शूट के बीच के जो ड्यूरेशन होती थी उसमें हम बहुत सारे टाइम, हम सब ने बहुत साथ में स्पेंड किए हैं, तो वो जो टाइम होता था एक अलग ही बॉन्ड हम लोग का हो गया था। और अब मैं ये सारी फोटोज जब देखती हूँ, और मेरे पास बहुत सारी और भी हैं, तो मुझे हर एक मोमेंट याद आता है कि ओ वाओ, मतलब वो भी एक दिन थे, मतलब मेरे गोल्डन डेज में कहूँ, एक पीरियड था। और हम सारे जो फ्रेंड्स थे हम लोग एक साथ ही रहते थे, एक ही बंगलों पे, तो वैसे उसके पहले मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मतलब मैं एकदम स्कूल में भी मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, और ऐसा हम लोगों क्यों? ने इतनी, मतलब मैं काफी चुप रहती थी, अभी मैं बड़बड़ करने लगी हूँ, बहुत चुप अभी बड़बड़ करने लगी हूँ। और मैं हमेशा सीरियस रहती थी, मेरे चेहरे पे कभी हंसी रहती नहीं, तो लोग मुझसे डरते हाँ, थे कि यार ये ये बहुत, बात पूरे बनारस हाँ की शान कौन लिख रहा है यार, ये तानिया के लिए मैसेज था, ये किसके लिए था यार? मैसेज ऊपर चला गया, मैंने देखा नहीं। अच्छा, थैंक यू गुफरान, थैंक यू सो मच। अच्छा, नॉटी शादाब राजी ने लिखा है, आई एम बिग फैन तान्या जी, क्या आप एक छोटी सी लाइन सुना दीजिए, मेरा फेवरेट वाला लग जा गले। लो भैया, गाने की रिक्वेस्ट आना शुरू हो गया तान्या, देख रही हो ना? देखिए, गाना तो हम बिल्कुल हाँ सुनेंगे तान्या से, लेकिन अभी पहले बातचीत थोड़ी सी कर लें। हाँ, तो बता रही थी आप कुछ। हाँ तो मैं काफी मतलब सीरियस ऐसे रहती थी, लाइक कुछ थोड़ा मैं इंटेंशनली भी रहती थी, लोग मुझसे डरे, क्योंकि मैं मॉनिटर थी तो थोड़ा अच्छा, सा, ओ तो वो हाँ मॉनिटर तो, वाला, वो हाँ थोड़ा सा लोग, मतलब कि डरे लोग थोड़ा सा। बट हाँ ऐसा कुछ अंदर से नहीं था कि भाई मुझे एकदम भिड़ू वाला सीन बना के रखना है, तो इसलिए मेरे फ्रेंड्स काफी कम होते थे। और उसके बाद वहां जाने के बाद सब मिले, और वहां भी मैं कुछ दिन ऐसे ही थी, तो लोगों ने मेरी वो आदत छुटा दी, फिर मैं हंसने लगी, और बहुत सारे जो हमारे कोच थे उन्होंने भी मुझे एकदम अपनी बच्ची की तरह रखा, जितने दिन भी थी मैं वहाँ, सबके साथ, पूरी टीम के साथ एकदम अच्छी, कोई भाई बन गया, कोई पापा बन गया, कोई मम्मी बन गया, कोई दीदी बन गया, तो ऐसे बहुत सारे मिल गए। कौन कौन से जज सबसे ज्यादा आपको मानते थे, मतलब सबसे ज्यादा प्यार आपको उसी जज का मिलता था? मतलब आई एम श्योर सभी करते थे, लेकिन कौन सबसे ज्यादा करता था? बिहाइंड द सीन की बात करूं तो नेहा मैम, मतलब सबसे ही बहुत ज्यादा थी, बट उनका मेरे साथ कनेक्शन
था ज्यादा, और देखो एक इसके बात इसके बोलो, नेहा बाद नाम जो के लोग होते ही प्यारे हैं। आपने तारीफ कर ली अपनी, बट मैं भी आपसे मिली हूँ एक दो बार शायद, मुझे याद है यस, मुझे इवेंट मैंने बोला याद था जब है। तुम छोटी थी और तुम आज से 3 4 साल, 4 साल 5 साल पहले तुम आई थी रेडियो सिटी स्टूडियो में हाँ और हमारी हाँ मुलाकात हुई थी। उस वक्त तुम इंडियन आइडल एकेडमी में थी, सीखा करती हाँ थी, हाँ तो हमारी मुलाकात हुई पर तो छोटी थी उस वक्त। हमने मेरे पास वो फोटो भी पड़ी हुई है तुम्हारी, ना, छोटी वाली सीधी अच्छा सादी। हाँ रखे हैं, शेयर कर ठीक है। हाँ तो दे क्या? नेहा नाम के लोग सच में बहुत स्वीट होते हैं। जब जितनी नेहा से मैं मिली तो ऐसे ही था, नेहा काफी सपोर्ट करते थे। बीच में एक एपिसोड आया था जिसमें शायद एलिमिनेशन का वो एपिसोड था, और उस टाइम मेरी शायद तबीयत खराब थी, तो वो एपिसोड मेरा उतना कुछ खास नहीं गया था। तो नेहा मैम ने कहा कोई बात नहीं, सब अच्छा है, मतलब लाइक शी ऑलवेज यूज टू मोटिवेट मी। तो एक अलग ही उनसे भी बॉन्ड था। और हिमेश सर, हिमेश रेशमिया सर भी हमेशा मेरी वोकल की तारीफ करते थे, मेरी जो टोनल क्वालिटी है। और उन्होंने एक बार मुझसे ऑटोग्राफ भी लिया और सेल्फी भी लिया, ये कहने कि आई हैव बिकम अ फैन ऑफ तान्या। तो काफी बड़ी चीजें थी, मतलब सबको। और जावेद सर भी, मतलब वो काफी थोड़े से सीरियस और वैसे हैं, तो ऐसे ये वो नहीं है बहुत ही कि कूल एंड बट काम बंदे हैं। हाँ, वो हमेशा सिखाते थे मुझे, हाँ अगर ये कहें कि किसी के साथ बहुत ज्यादा बॉन्डिंग थी तो हाँ वो नेहा मैम के अच्छा देखो, अब बहुत सारे लोग तुमसे गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गाना गाना है तो एक गाने की शुरुआत कर दी जाए, कोई ऐसा सा श्योर। गाना है ना, तो कौन सा सुनाओगी? वैसे कुछ लोग तो किसी ने लिखा था, मैंने नाम मैं मिस कर गई, पता नहीं लग जा गले किसी ने लिखा था, और भी कुछ गानों की रिक्वेस्ट आ रही है, तो तुम बताओ तुम्हें कौन सा लग रहा है कि सुनाना चाहिए अभी, जो तुम्हारा बड़ा फेवरेट हो और तुमने लगभग ज्यादातर अपने सब सारे स्टेज शोज में गाया ही गाया हो। ऐसे तो मैं जब नॉर्मली लाइव आती हूँ तो लोग मुझसे वो गाने गाने को बोलते हैं जो मैंने एपिसोड्स में गाए हैं, और मोस्टली नमक इश्का की रिक्वेस्ट होती है। लग जा गले तो फर्स्ट टाइम मुझे रिक्वेस्ट दिख रही है। अच्छा श्योर तान्या, श्योर। जैसे आपने पढ़ाई की है डेलम से, राइट? तो जब मैंने कल स्टोरी पोस्ट की थी तो बड़े सारे लोगों ने जो है हमसे कहा कि अरे ये तो हमारे स्कूल की स्टूडेंट है। रितु मैम ने सबसे पहले मेरे को मैसेज किया कि व्हाट्सएप पर कि अरे ये तो मेरे स्कूल की स्टूडेंट है। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, तो बोले हाँ मैं तो जरूर से कल ज्वाइन करूंगी, इसकी आवाज बहुत प्यारी है। मैंने कहा हाँ आवाज तो उसकी नो डाउट बहुत प्यारी है और गाना वो बहुत अच्छा गाती है। क्योंकि ये चीज जो तुमने अभी बोली ना कि मैं ये चीज मैंने भी कहीं ना कहीं इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि जब तुम छोटी थी और जब तुम हमारी मुलाकात हुई थी, 2 3 बार हुई है शायद, एक बार ऑफिस में हुई थी एंड देन एक बार हमारी डांडिया में मुलाकात हुई थी, तो वहां जी पर भी जी तुमने परफॉर्म हाँ किया था, तो वहां पर उस हाँ टाइम तो तुम काफी सीरियस रहती थी और मतलब ज्यादा बातें भी नहीं करती थी, बड़ा चुप चुप सी रहती थी। तो अब वो वाली तानिया में और ये वाली तानिया में वाकई में काफी अंतर है, ये मुझे भी देखने को लग रहा है। तो ये जरूर से ये जो डिफरेंस आया है वो सारे गांव पर का ही डिफरेंस है, राइट, उस पूरी टीम का। जी ये क्या है, किसने लिखा है स्क्रीनशॉट पोज वाला? ये क्या है स्क्रीनशॉट पोज वाला, ये क्या था यार? एक्चुअली वो कह रहे हैं कि आप लोग लाइक एक पोज दीजिए, वो स्क्रीनशॉट लेंगे, तो वो ओ फिर हो सकता है मे बी स्टोरी में रिपोर्ट। अच्छा यार, तो ये स्क्रीनशॉट वाला पोज कौन सा होगा यार, ये तो मुझे भी नहीं आता। हाँ दिखा आप था यार मेरे अपना को। पोज दो, अच्छा मैं अपना दे लेती हूँ। मतलब ऐसे ओके नॉर्मल पोज देना है वो स्टाइल। हाँ हो गया, बहुत सारा हो अच्छा किसी ने कुछ और मैसेज भी लिखा था, कोई द्रवी पता नहीं यार इसका नाम कुछ, अच्छा एक्चुअली इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे नाम लोग रखते हैं ना। आई वाना हाँ आस्क एक अबाउट द मिनट। जर्नी ऑफ तानिया दीदी, उन्होंने कैसे म्यूजिक स्टार्ट किया, चलिए बताइए अपनी जर्नी आप। बाप रे, बहुत लंबी जर्नी हो गई। बहुत छोटी है तानिया लेकिन मैं बहुत लंबी है, राइट? क्योंकि मेरी जर्नी में जब मैं तुम कितने साल चार की है साल की थी, अभी कल मेरा 17 कंप्लीट हुआ है। बताओ, छोटी सी लड़की है बेचारी, इतनी लंबी इसकी जर्नी है। हाँ तो तो बताओ। जब मैं 4 साल की थी तब से मैंने गाना स्टार्ट किया है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो
मैं एज अ सिंगर परफॉर्म कर रही थी, मतलब मैं सिंगर बनी थी। तो पता नहीं मैं ऐसे ही गा के चली आई, एक गाना था वो मेरी लाइफ का सबसे पहला गाना था, आतिफ असलम जी का, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। तो मैं वो गा के आई और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? परफेक्ट हाँ, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था और घर में किसी को पता नहीं था कि मैं ऐसा कुछ भी करके आ रही हूँ। तो मैं, मेरी बहन स्कूल से आ, हाँ, तुमने बताया कि तुम और तुम्हारी सिस्टर साथ में आए घर वापस। हाँ, तो मैंने दिखाया कि मम्मी देखो, और मम्मी ने पूछा ये क्या है, कहाँ से आया। तो मैंने कहा ये फर्स्ट प्राइज मिला है, मैंने परफॉर्म किया। तो उसके बाद हमारे जो मोहल्ले एरिया के लोग थे वो लोग भी गए थे, तो उन्होंने आके बताया कि अरे आपकी बेटी अच्छा गाती है। फिर हमारे टीचर्स ने बोला कि इसको प्लीज सिखाइए। तो फिर मम्मी ने हमें, मुझे सिखाना स्टार्ट किया, और फिर वो मुझे लेके जाने लगी सिखाने के लिए। और मतलब उसके बाद कोई मैंने कोई बहुत सारे, म्यूजिकल बैकग्राउंड मतलब नहीं रहा है कि मतलब कोई फैमिली में बहुत ऐसे कभी सब नहीं, गाते रहा हो, ऐसा कुछ कभी नहीं। नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे ऑडिशंस किए, मतलब एक लोकल लेवल पे भी परफॉर्मेंस किया, इवेंट किए, और बहुत बहुत सारा चीज जो किया। उसके बाद फाइनली 2015 में इंडियन आइडल जूनियर में मैं गई। जब इंडियन आइडल एकेडमी यहाँ पे सेटअप हुआ था, तो 2015 में सीजन 2 आया था इंडियन आइडल जूनियर का, तो मैंने ऑडिशन दिया और टॉप 60 तक मैं पहुंची थी। ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए, ये गोल्डन टिकट वाली फोटो है। सो हाँ, स्वीट। तो वो मुझे मिला था टॉप 60 तक थी, उसके बाद फिर एलिमिनेट हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर द वॉइस इंडिया किड्स आया था एन टीवी पे, उसमें गई, उसमें ब्लाइंड ऑडिशन दिए। उसके पहले भी बहुत सारे ऑडिशन हुए, बहुत सारे सिटीज में वो दिए, और फिर ब्लाइंड ऑडिशन हुआ जो टीवी राउंड होता है। उसके बाद बैटल राउंड हुआ, बैटल बैटल में फिर एलिमिनेट हो गई थी। देखिए कितना एलिमिनेट होती गई। उसके बाद फिर फाइनली 2017 में सारेगामा पा किया, बहुत सारे ऑडिशंस हुए, 12। मुंबई में हुए, हाँ, मुंबई में बहुत सारे राउंड हुए। उसके बाद फिर फाइनल टीवी राउंड हुआ, टीवी राउंड के बाद मेगा ऑडिशन हुआ, उसके बाद फाइनली टॉप 15 कंटेस्टेंट में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद बहुत सारा एपिसोड किया, टॉप 10 तक फाइनली पहुंची। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, लोगों का प्यार मिल रहा है। अच्छा, तो जैसे कि तुमने बताया कि इतने सारे तुमने जो है ऑडिशंस दिए हैं, कई इतनी सारी जगहों से एलिमिनेशन भी हुआ, तो ये जब तुम ऑडिशन देने जाती थी तो साथ तुम्हारे हमेशा कौन रहा है, जो हमेशा तुम्हारे साथ जाता, पापा या मम्मी? ना पापा जाते थे ना मम्मी, आए तो कौन जाता भैया जाते थे, था? और अच्छा मम्मी के मम्मी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि पापा बिजनेसमैन थे, मतलब अभी बिजनेसमैन है, पहले वो सर्विस करते थे, तो इतना ज्यादा उनका ध्यान नहीं रहता था। तो मेरे साथ भैया ही जाते थे, आप शायद मिली है मेरे भैया से, और वो रिकॉर्डिंग वगैरह करते रहते हैं। हाँ, तो वो ही लेके जाते थे, और हमेशा से उसने मुझे साथ में सपोर्ट किया है। और हर एक छोटी छोटी चीज, मतलब क्लासिकल तो मैं सीखती थी, बट वो जो बॉलीवुड की चीजें होती हैं छोटी छोटी, क्या आपको पसंद आएगा, क्या वही सजेस्ट करते थे और करते हैं, मतलब, और वही लेके अच्छा, जाते थे, और मेरे हर ऑडिशन में वही मेरे साथ। तो काफी डिस्कनेक्ट, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है फिर। अच्छा, तो ये जो भाई आपके साथ हमेशा आपके जाते थे, तो जैसे होता है ना कि जब हम कई जगह पे ऑडिशंस देते हैं, बहुत बारी ऐसा होता है कि जब हम एलिमिनेट हो जाते हैं तो थोड़ा सा दिल दुखता है यार, कि मतलब इतनी मेहनत करे, इतनी यहाँ तक आए, फिर नहीं हुआ, फिर कोई ना कोई, जैसे तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करते हुए तुम्हें आगे लेकर गए, तो कभी तुम लो फील करती हो तो तुम्हें कुछ बोलते थे?
एक्चुअली अब मैं इसको अपनी तारीफ कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि मेरा एलिमिनेशन हो गया, क्योंकि शुरू से ही मेरे दिमाग में एक चीज थी, और ये हमेशा मेरी मम्मी ने और भैया ने पापा ने सबने मुझे यही सिखाया है कि जहां तक भी जाओगे तुमने जितनी मेहनत की है तुम्हें उतना ही मिलेगा। और उसके मैंने कहा, फिर मैं यही सोच के रहती थी यार इतना आई हूँ तो अब इससे आगे तो जाऊंगी, क्योंकि कभी पीछे पलट के नहीं देखना। और उसके बाद मेरे दिमाग में मेरी अपनी चीज रहती है कि कुछ भी होता है वो किसी रीजन की वजह से होता है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर मैं उस टाइम वहीं तक पहुंची, अगर मैं उससे ज्यादा पहुंच गई तो शायद मुझे सारेगामापा नहीं मिला होता, जी टीवी का टैग मुझे नहीं मिला होता, मैं सारेगामापा लिलचैन नहीं होती, कोई दूसरा ही शो करके कहीं बैठी होती। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे कभी बुरा लगता ही नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत सबको लगता है, नॉर्मल है ना, आदमी है। मैं फिर अपने वापस अपने बैक टू लाइफ में आ जाती हूँ। तुम्हारे इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें आप जो है इतना मतलब एकदम बिल्कुल जैसे ना एकदम मेच्योर्ड लोगों की तरह आप जो बातें करती हैं, ये आपके अंदर बचपन से था या बाद में आया धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते लेते? मैं बचपन में ना, मैंने बताया ना मैं बहुत सीरियस रहती थी, तो हाँ वो बचपन में सीरियसनेस भी वाला जो है ना वो तुम्हारे अंदर एकदम मतलब अंदर तक आ गया, वो कीड़ा घुसा हुआ है सीरियसनेस हाँ, अब बचपन में वाला। मैं इतनी सीरियस रहती थी कि लोगों को मेरे रोने की भी आवाज नहीं आती थी। तो हाय। ऐसा मुझे बताया जाता, मैं एक जगह पड़ी रहती थी। तो उसके बाद फिर उसके बाद इतने एलिमिनेशन मैंने इतनी कम ही एज में देख ली, मतलब इतना, मतलब मैंने देख लिया कि, और मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम मम्मी थी। जब मम्मी गई तो पापा एकदम शटर्ड, फिर दीदी भी, फिर सारी जिम्मेदारी दीदी के ऊपर आ गई। और फिर समहाउ मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं ही कमजोर पड़ जाऊंगी तो फिर ये लोग को खुद को ग्रो करना और मुझे ग्रो करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा भाई मैं ही, इसलिए पापा पास भी है, तो वही से मैं हमेशा, मेरे आंख में आंसू बहुत कम ही लोग कभी कभी देखते हैं। यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल राइट? टाइम ने अच्छा बना दिया स्ट्रॉन्ग। यस, अच्छा होना भी चाहिए, लड़कियों को हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए हर चीज में, है ना? स्ट्रॉन्ग रहेंगे तब बिल्कुल हर चीज में आगे बढ़ेंगे।